हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक अच्छा सा क्वेश्चन ही करते हैं। एस सी वर्मा का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये कहता है ए पार्टिकल मूव इज फिक्स्ड ऑन ए टर्नेबल टेबल और वो रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, मतलब ओमेगा से वो रोटेट कर रही है। ये टर्नेबल टेबल है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है और वही टेबल है जो ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। कहता है सीन फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये ओमेगा जो है ग्राउंड से, पार्टिकल ग्राउंड से देखा जा रहा है। तो पार्टिकल मूव इन ए सर्किल, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से देख रहा है तो इसको पार्टिकल सर्कल में जाता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द ऑब्जर्वर। द पार्टिकल नाउ मूव इन ए सर्कल विद ही स्पीड 20, हाँ लीनियर एक्सलेशन इसका जो है, लीनियर एक्सलेशन इस पार्टिकल का 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसकी जो लीनियर स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है इन ए सर्कल। ये पहला सिचुएशन है, ऐसे है ये वाला। और मान लेते हैं ये जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है। ए पार्टिकल शिफ्टेड टू न्यू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब अब हमने सर्कल का रेडियस छोटा कर दिया बच्चों। ये तो ये जो रेडियस है, दैट रेडियस इज R2 एंड R2 इज R1 का आधा है, ठीक है। नाउ हाव द न्यू वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड एक्सलेशन, लीनियर एक्सलेशन और लीनियर स्पीड की न्यू वैल्यू। चलो मान लेते हैं लीनियर एक्सलेशन ए डैश हो गया होगा तो ये कैलकुलेट करना, और लीनियर स्पीड वी डैश होगी तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो चलो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट केस में जो वी इज इक्वल टू होता है वो आर ओमेगा, तो ओमेगा तो क्या है, वो सेम है सभी के लिए, सेम है। तो दूसरे केस के लिए वी डैश इज इक्वल टू आर डैश ओमेगा, तो वी डैश अपान वी इज इक्वल टू आर डैश अपान आर। तो वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आर डैश की वैल्यू R/2 आ जाएगी, और ये आर था और ये वी की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1/2। और वी की वैल्यू कितनी थी, वी की वैल्यू पहले 20 थी, तो वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पहला जो प्रॉब्लम था वो तो हमारा सॉल्व हो गया कि पहले में जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऑब्वियसली या तो ये सही है या तो ये सही है, तो ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर एक्सलेशन। तो एक्सलेशन अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो एक्सलेशन लीनियर एक्सलेशन ए इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट केस के लिए, दूसरे केस के लिए ए डैश आर डैश ओमेगा सेम है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ए डैश अपान ए इज इक्वल टू आर डैश अपान आर, ये वाली। तो ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, आर डैश की वैल्यू R/2 है और ये आर है और ये ए है, तो ए कितना था 1/2 और ए भा 20, तो अगेन जो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नया एक्सलेशन ए डैश इज इक्वल टू वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इफ़ यू हाफ द रेडियस, द एक्सलेशन और वेलोसिटी वो भी दोनों 10, कितना आ जाएगा 20 नहीं, ये सॉरी ये 10 हो जाएगा ना यार, सॉरी ये 10, दैट इज 10। फिर से मैं एक बार आपको लिए लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर नॉट ए रोबोट, देर इज मैनुअल मिस्टेक मे बी पॉसिबल, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फाइनल सोल्यूशन विल बी दिस, दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।